subscribe and turn your notifications on. चैप्टर 8 पब्लिक ऑफेंसेस के बारे में डील करता है और चैप्टर 8 में अनलॉफुल असेंबली भी एक टॉपिक है और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है. अब हम अनलॉफुल असेंबली के बारे में देखेंगे कि अनलॉफुल असेंबली होती क्या है, कैसे फॉर्म होती है और इसकी पनिशमेंट क्या है. तो इस सेक्शन में हम यही देखेंगे. FIR अंडर सेक्शन 141. An assembly of 5 or more persons is designated an unlawful assembly if the common object of the person composing that assembly is number 1 to overawe by criminal force or show of criminal force the federal or any provincial government or legislature or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant. Number 2, to resist the execution of any law or any legal process. Number 3, to commit any mischief or criminal trespass or any other offences. Number 4, by means of criminal force or show any criminal force to any person to take or obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of a right of way or of the use of water or other incorporeal rights of which he is in possession or enjoyment or to enforce any right or supposed right. Number 5, by means of criminal force or show of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do or to omit to do what he is legally entitled to do. Explanation: an assembly which was not unlawful when it is assembled may subsequently become an unlawful assembly. मतलब ये के पांच लोग जब भी इकट्ठे होंगे या पांच से ज्यादा लोग जब भी इकट्ठे होंगे या पांच से ज्यादा लोग तो हम उसको असेंबली बोलेंगे. अनलॉफुल असेंबली ये है कि अगर पांच लोग या पांच से ज्यादा लोग कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं या कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो हम उसको अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे. मतलब ये कि पांच या पांच से ज्यादा लोगों की असेंबली को गैर कानूनी या अनलॉफुल असेंबली कहा जाता है अगर तो उनका या अनलॉफुल असेंबली में जो पांच या पांच से ज्यादा लोग हैं उनका कॉमन ऑब्जेक्ट इन पांच पॉइंट में फॉल करे या उनका कॉमन ऑब्जेक्ट इन पांच पॉइंट में से किसी एक में फॉल करे. जो पांच या पांच से ज्यादा लोगों ने असेंबली फॉर्म की है उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए. सबका ऑब्जेक्टिव एक ही होना जरूरी है. जो पांच लोगों की असेंबली है उनमें सबका ऑब्जेक्टिव एक होना या सेम होना जरूरी है. नंबर 1, क्रिमिनल फोर्स को दिखाना या फिर क्रिमिनल फोर्स को यूज करना अगेंस्ट पार्लियामेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट शो करना या दिखाना या फिर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो या जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा हो. यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स जो वर्ड यूज है वो सेक्शन 350 में डिफाइन किया हुआ है. नंबर 2, किसी भी लॉ या लीगल प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में पांच या पांच से ज्यादा लोग रुकावट या हर्डल क्रिएट करेंगे तो उन पांच या पांच से ज्यादा लोगों के ग्रुप को हम अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे. नंबर 3, जब पांच या पांच से ज्यादा लोग कोई भी मिसचीफ करेंगे या कोई भी क्रिमिनल ट्रेसपास करेंगे या फिर कोई भी जुर्म करेंगे तो उन पांच या पांच से ज्यादा के लोगों के ग्रुप को या जो उनका ग्रुप होगा हम उनको अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे. जो मिसचीफ है वो सेक्शन 425 में डिफाइंड है. जो क्रिमिनल ट्रेसपास है वो सेक्शन 441 में डिफाइंड है और ये जो ऑफेंसेस है ये सेक्शन 40 में डिफाइन किया गया है. और ऑफेंसेस, यहाँ पर वर्ड ऑफेंसेस है तो पीनल कोड के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे
इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। नंबर 4 पॉइंट, जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग क्रिमिनल फोर्स दिखाकर या शो करके किसी की प्रॉपर्टी की पोजेशन ले लें या फिर किसी का राइट ऑफ वे छीन लें या ख़त्म कर दें या किसी का पानी का राइट ख़त्म कर दें या छीन लें और दूसरे कानूनी हक जिसमें वो कब्ज़े में है वो इससे छीन लें या क्रिमिनल फोर्स के थ्रू कोई राइट इन्फोर्स करवाए, तो उन 5 या 5 से ज़्यादा लोगों को अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे। यहाँ पर वर्ड इनकॉर्पोरियल राइट यूज़ किया गया है। तो द राइट ऑफ ऑनरशिप और पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी आर कॉर्पोरियल राइट, वाइल राइट ऑफ यूजिंग द प्रॉपर्टी आर इनकॉर्पोरियल राइट। तो यहाँ पर आपको कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल राइट्स का पता चल गया है। इनकॉर्पोरियल राइट्स वो हैं वो जो आप किसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, जैसे कि दो घरों के बीच में एक सड़क जा रही है, आप उसको यूज कर रहे हैं, एक जगह पानी है गुजर रहा है, एक पानी की नहर गुजर रही है, आप लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो राइट ऑफ यूजिंग द प्रॉपर्टी आर इनकॉर्पोरियल राइट। सही है, तो इनकॉर्पोरियल राइट ये कि जो रास्ता है उसको यूज कर रहे हैं, जो पानी गुजर रहा है उसको यूज कर रहे हैं और इसी तरह दूसरी चीजें। नंबर 5, जब 5 या 5 से ज्यादा लोग क्रिमिनल फोर्स दिखाकर या यूज करके किसी से कोई ऐसा काम करवाएं जिस काम को करने के लिए वो पर्सन लीगली बाउंड नहीं है, या फिर दूसरी चीज ये कि या फिर किसी इंसान को ऐसा काम करने से रोकें जिस काम को करने के लिए वो पर्सन लीगली इंटाइटल है, तो उन 5 या 5 से ज़्यादा लोगों को हम अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे। तो इस सेक्शन के अंडर FIR तभी होगी जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग कोई क्रिमिनल या कोई क्राइम करेंगे या कोई क्रिमिनल ऑफेंस करेंगे, तो उनका जो ग्रुप है वो अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। कोई क्राइम होना चाहिए जो कि पीनियल कोड के अंडर डिफाइंड हो, कोई भी क्राइम, सही है, या फिर कोई क्राइम जो ये 5 पॉइंट है इनके अंदर फॉलो या पूरे क्रिमिनल कोड के अंदर डिफाइंड हो, सही है, तो उनमें से कोई क्राइम होना चाहिए। सेक्शन 141 पे कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, असेंबली ऑफ 5 और मोर% के 5 या 5 से ज़्यादा लोग होंगे तभी वो एक असेंबली फॉर्म करेंगे विद कॉमन ऑब्जेक्ट, सबकी नीयत और सबका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, यानी कि सब जितने भी लोग होंगे उनकी नीयत और उनका माइंडसेट सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर 5 लोग हैं वो किसी को मारने जा रहे हो तो सबको पता हो कि हमने वहाँ जाकर किसी को मारना है, पिटाई करनी है, या किसी से कोई चीज़ छीनने जा रहे हैं सबको पता हो कि हमने मिलकर ये चीज़ छीननी है, तो उनका माइंड सबका एक ही हो। दूसरी चीज़ है थर्ड चीज़ है बल्कि डन एनी क्राइम विद क्रिमिनल फोर्स, तो वो कोई क्रिमिनल फोर्स यूज़ करते हुए कोई क्राइम वो करेंगे तो जो वो जो असेंबली होगी वो टर्न हो जाएगी, पहले तो 5 लोगों की असेंबली थी, जैसे ही वो एक ऑब्जेक्टिव के साथ और कोई क्राइम करते हैं तो वो असेंबली टर्न हो जाएगी इनटू अ अनलॉफुल असेंबली। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक केस लो है, इट वाज हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू पनिश अंडर दिस सेक्शन द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द प्रेजेंस ऑफ ईच पर्सन। मतलब ये कि अगर 5 लोगों ने जाके किसी को मारा है या पीटा है या किसी से कोई चीज़ छीन ली है, सही है, तो प्रोसिक्यूशन मतलब के जो ऑपोजिट पार्टी होगी जिसके साथ क्राइम हुआ होगा उसको प्रूफ करना होगा कि ये 5 लोग थे, सही है, अगर तो उस पर्सन को उन सारे पर्सन को इस सेक्शन के अंडर पनिशमेंट देनी है, सही है, अगर तो इसके अंडर पनिशमेंट देनी है तो आपको 5 लोगों को प्रूफ करना होगा कि 5 लोगों ने ही ये काम किया है। अगर चार लोग होंगे तब वो लोग इस सेक्शन के अंदर उनको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। हाँ, उनको वैसे जो उन्होंने मार पिटाई की है 4 लोगों ने उनको वो सज़ा अलग अलग मिल जाएगी, लेकिन इस सेक्शन के अंडर उनको सज़ा नहीं मिलेगी, बाकी दूसरे सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। एक और एग्जाम्पल है, एक केस लो है, दिस सेक्शन नॉट एप्लीकेबल वेयर अ पर्सन डिफेंड हिज लॉफुल पोजेशन। लॉफुल पोजेशन ये जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी है या के 5 लोगों की प्रॉपर्टी वो एक साथ ही एक घर में रह रहे हैं,
सही है, और एक बंदा बाहर से आता है आपकी प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास करता है या कुछ चोरी करने आता है, आप पांच लोग मिलकर उसको मारते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड कर रहे हैं, लॉफुल पोजेशन को डिफेंड कर रहे हैं, तो ये सेक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह अगर आपकी गाड़ी को कोई छीनने की कोशिश करता है तो आप लोग पांच लोग गाड़ी में बैठे हैं तो आप उसको पकड़ के मारते हैं, या आपकी जो प्रॉपर्टी है या आपकी जो चीज़ पोजेशन में है अगर आप उसको डिफेंड करने के लिए कोई फोर्स यूज करते हैं तो उसके फिर आप इस चीज़ के अंदर फॉल नहीं करेंगे। इन द केस अमर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब इनिशियली 7% वर चार्ज फॉर द ऑफेंसेज, टू ऑफ देम वर एक्विटेड बाय द सेशन कोर्ट एंड वन बाय द हाई कोर्ट, दस इट वॉज हेल्ड दैट ऑन द एक्विटल ऑफ थ्री अक्यूज पर्सन द रिमेनिंग फोर अक्यूज कैन नॉट बी कन्विटेड अंडर दिस सेक्शन। मतलब कि ये कि सात लोगों ने मिलकर क्राइम किया था तो उनमें से दो लोगों को सेशन कोर्ट ने छोड़ दिया, एक बंदे को हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, सात में से तीन निकाले बाकी रह गए चार। तो यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर अगर पनिशमेंट देनी है आपको, सही है, और ये सेक्शन भी लगाना है तो आपको पांच बंदे चाहिए। तो यहाँ पर पांच बंदे नहीं थे तो इस कोर्ट ने ये कहा कि हम इस सेक्शन के अंदर तो पनिशमेंट नहीं देंगे। बेसिकली जब भी FIR होती है, कोई भी आप क्राइम करते हो, तो आपके ऊपर एक सेक्शन नहीं लगता, आपके ऊपर कोई पांच छह सेक्शन लगते हैं या दो तीन से ज्यादा ही लगते हैं, सही है। तो उन्होंने ये सेक्शन हटा दिया, उन्होंने कहा अब इस सेक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पांच लोग होते तो इस सेक्शन के अंदर भी इनको पनिशमेंट मिल जाती। तो अब बाकी सेक्शंस जो FIR के अंदर होंगे उनके अंदर उनको पनिशमेंट मिलेगी चार लोगों को, सही है, लेकिन इस सेक्शन के अंदर अब पनिशमेंट नहीं मिल सकती, बाद के निकाम मतलब उनका ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब and turn your notifications on.